बार में आपको बताऊंगी बंद कॉलर सूट स्टिचिंग जो मैंने पिछली वीडियो में काटी थी। ये हमारा कपड़ा है जो हमने काटा था। पहले हम पीछे का पल्ला तैयार करते हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला है। यहाँ पे हम निशान लगाते हैं पीछे बीच आ बीच में। ये हमारी बुकरम है, इसका हम गला बनाते हैं। जैसे हमने आपको बताया ये हमारी बुकरम है, इसको डबल कीजिए पहले, और आपको जितना लंबा चाहिए उतना आप इंची टेप से नाप लीजिए। इस तरीके से आप नाप लीजिए, 7 इंच का गला है, और आप जैसी डिजाइन डालना चाहें उस तरीके से आप डिजाइन डालिए पीछे। ये हमारा गला कट गया है डिजाइन वाला पीछे के लिए। अब हमको ये रूमाल जैसे कपड़े पे, चौकुटे कपड़े पे रख के इस पर सिलाई फेरनी है, जिससे बुकरम चिपक जाए इसके ऊपर। ये हमने बुकरम इसके ऊपर चिपका ली मशीन फेर के। अब हमको इसके बगली से एक कपड़ा है इसके ऊपर से सिलाई फेरनी है। अब ये कपड़ा जो ऊपर निकल रहा है उसको आपको छाटना है। ये जो ऊपर कपड़ा था वो हमने छांट लिया, इस तरीके से हमने इसको पैक कर दिया है। अब आपको ये गले के पीछे वाले पल्लर पे बीचा बीच में रख के, जैसे हमने ये निशान लगाया कैंची का, ये बीच में इसको रख के आपको इस तरीके से आपको सिलाई फेरनी है। बगली से ही सिलाई फेरनी है, बुकरम के ऊपर सिलाई ना चले।
ये देखिए आपने सिलाई फेर ली हमने। अब आपको ये बीच वाला कपड़ा है जो वो काटना है। बगली बगली से इसको छांटना है। और जो बगली बगली का कपड़ा है उसमें इस तरीके से कैंची लगानी है जिससे आपको मोड़ने में दिक्कत ना देगा। और आपको इसको अंदर की तरफ पलटना है इस तरीके से। और सिलाई लगा दीजिए, सिलाई लगा दीजिए ऊपर से जिससे बुकरम अंदर हो जाए। ये देखो आपका पीछे का गला बन गया है। तैयार हो गया आपका पीछे गला। अब आपको आगे वाला गला तैयार करना है। ये आगे का पल्ला है। जैसे हमने यहाँ पे कैंची लगाई थी ये आगे पल्लर पे, अब हमको इसके ऊपर कपड़ा रखना है। ये कपड़े हमने पहले से काटे थे। इसके बराबर दो पट्टी काटनी है पहले। इसके बराबर हमको सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमको इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
और ये कपड़ा इसके ऊपर ही मोड़ के लगाना हमको इस तरीके से, जिससे हमारी पट्टी की डिजाइन सामने आ जाए इस तरीके से। ये हमारी एक पट्टी लग गई है, अब हमको इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी लगानी है। ये कपड़ा चौड़ा है थोड़ा, इसको थोड़ा पतला कर लें। ये हमने पट्टी आगे के लंग सिलाई लगाई है, अब आप इसको मोड़ के इस तरीके से आप आगे के लंग ही मोड़ दें। ये हमारी दूसरी पट्टी लग गई है, अब हमको इसके ऊपर से ऐसे करके गले को बराबर नाप के इसके ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगानी है, जिससे ये दोनों पट्टी बराबर दिखे।
तरीके से हमको ये मोड़ के ये डिजाइन बनानी है। नीचे की तरफ चौंक सी निकल आए। ये लग गई हमारी पट्टी। अब हमको गला बनाना है। ये बराबर है। ये गला हमारा बराबर है। अब हमको ये पीछे का पल्लर इसमें जोड़ना है। इस तरीके से दोनों पल्लर जुड़ गए हैं। इस तरीके से अब हमको इसमें बंद गले का कॉलर लगाना है। जैसे ये हमारा डिजाइन का कपड़ा है, हमको इसके नाप से ही बराबर काटना है। तरीके से नाप लीजिए, गले को कपड़े के ऊपर रख के नाप लें, थोड़ा सा बढ़ा के काट लें। आप जितना चौड़ा चाहें उतना चौड़ा आप मशीन फेर के इसको इस तरीके से डबल करें। पहले ये डिजाइन के अनुसार आप इसको पहले इस तरीके से डबल कीजिए। इस तरीके से आप फिर मोड़ के अच्छी तरीके से इसको छांट लें। फिर आप ये दो पल्लर हैं, इस पे आप थोड़ी सिलाई लगाएं।
तरीके से आप पलट दीजिए। ये पलट गया और एक थोड़ा सा इसको कपड़े को इस तरीके से पकड़िए और गले के ऊपर रखिए। ये सीधा गला है, इसको आप उल्टी की लग रखिए और जोड़ते हुए ले जाइए। ये जो आपका पीछे का पल्ला थोड़ा आप ये थोड़ा कैंची से थोड़ा छांट लीजिए, पीछे का जो लगाने में दिक्कत दे रहा है। तरीके से आप पकड़ के इस तरीके से हमने ये गला लगा दिया है इसके ऊपर। और ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा ज़्यादा है, उसको आप यहीं पे थोड़ी सिलाई लगा लीजिए। और आप इसको इस तरीके से आगे की लंग पलट दीजिए इस तरीके से। और अब इसको ऐसे मोड़ के अब इसके ऊपर से सिलाई लगा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए हमने ऊपर से ये मोड़ के सिलाई लगा दी है। अब आप इसके ऊपर से इस तरीके से गोल पूरे पे सिलाई लगाएं और ऊपर से भी सिलाई लगाएं इस तरीके से, जिससे इसका शेप अच्छा बन जाए।
मिर्च आ गई है, आप इनको छांट दीजिए अच्छी तरीके से। ये लग गया आपका कॉलर। आप यहाँ पे डिजाइन वाले बटन भी लगा सकते हो काले कलर के। अब आपको इसकी फिटिंग करनी है। इस तरीके से आप पहले इसको पलट लीजिए। नाप लीजिए आप अपना सीना, जैसे मैंने आपको बताया ये सीना है 38, तो आप उतना ही निशान लगाएं जितनी आपको फिटिंग करनी है। इसी तरीके से आपको दूसरे लंबी सिलाई लगानी है। ये आपकी फिटिंग हो गई है। अब आप बाजू लगा लीजिए। ये आपकी बाजू है। पहले आपको यहाँ से थोड़ी सिलाई लगानी है। थोड़ी सिलाई लगा दें। अब आप बाजू को नाप लें। लगाते समय पहले आप बाजू को नाप लें, कहीं आपकी बाजू कम या ज़्यादा ना हो, इसलिए आप पहले बाजू को नाप लें। ठीक है, बराबर है। और ये डिजाइन भी आपको देख के ही लगानी है कि डिजाइन आगे की लग ही आए।
तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर बाजू रख के एक बाजू लग गई है। अब आप बाजू की जितनी चौड़ाई हो उतनी ही निशान से आप सिलाई लगा लीजिए। ये बाजू यहाँ पे थोड़ी कम पड़ गई है तो आप इसको दूसरी तरीके से थोड़ा इधर आगे पीछे करके एक लंग को ज़्यादा हो रही है तो इसे आप थोड़ा इधर को लगाइए जिससे इसकी शेप अच्छी तरीके से आ जाए। ये डिजाइन वाले सूट में थोड़ी दिक्कत देती है, डिजाइन बराबर आनी चाहिए। थोड़ी आप यहाँ से छोड़ के लगा सकते हैं, वो सिलाई में चला जाएगा जिससे ये बाजू बराबर आ जाए। लगाने में कोई दिक्कत ना होगी, बराबर है अब।
बाजू की फिटिंग आप दूसरी बाजू से नाप लें इस तरीके से। नीचे के जो जगह आपने यहाँ से कैंची लगाई थी वो नीचे वाले चाक हैं ये आपको बनाने हैं। पहले आप इसको इस तरीके से आप मोड़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा छाट दीजिए। इससे आपके चाक टेढ़े मेढ़े ना होंगे। फिर आप इनको इस तरीके से आप मोड़ के ऐसे सिलाई लगाइए। तरीके से ही मोड़ के सिलाई लगानी है। अब आपका ये दूसरा वाला चौक है, आप इसको भी इस तरीके से ही मोड़ के सिलाई लगाइए। अब आपको इस पे भी इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगानी है। आपके चारों चाकों पे सिलाई लग गई है। अब आपको इसको
अच्छी तरीके से पकड़ के इस तरीके से आपको नीचे से छाटना है, ये बराबर करके। पहले आप इसको इस तरीके से संभालिए जिससे आपका कुर्ता नीचे से मतलब नीचा ना हो। फिर अच्छी तरीके से आप इसको नीचे से छाट लीजिए और फिर आप नीचे से भी सिलाई लगाएं। आपकी नीचे से सिलाई ये हो गया आपका पीछे का कलर डिजाइन वाला और ये आपका आगे का बंद गला। जिससे से आपने जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पे डिजाइन वाले बटन भी लगा सकते हो काले कलर के। ये बन गई आपकी कुर्ती बंद गले की। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।